ये संचेटी यस अदरवाइज देयर वुड हैव बीन सेपरेशन आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय डिप्टी चेयरमैन साहब लीडर ऑफ द हाउस सन्माननीय अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद साहब 6 साल पहले मेरे राजनीतिक जीवन की ये शुरुआत थी मुझे भी अंदाज नहीं था कि मैं राज्यसभा में आऊँगा लेकिन पार्टी में जब डेमोक्रेसी होती है तो काम करने वाले को कब कहाँ भेज दिया जाता है समझ में नहीं आता सर मैं बहुत चूँकि आपने 2 मिनट में बात ख़त्म करने कहा है सर मुझे राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान बहुत सारी कमिटीज़ में काम करने का मौका मिला और 2014 के बाद में जब फाइनेंस कमेटी में क्योंकि इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो एक दौर चला है उसकी जितनी भी कमिटीज़ थी चाहे वो फाइनेंस कमेटीज़ में थी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ थी सिलेक्ट कमिटीज़ थी उसमें तकरीबन सभी में मुझे काम करने का मौका मिला और कई चीज़ों को नज़दीक से समझने का मौका मिला मैं स्पेशली अरुण जी को और पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और कमेटियों में सदस्य के रूप में रखा सर मैं अगर एक बात आज न कहूँ तो अधूरी रह जाएगी उन फाइनेंस कमेटी के मेंबर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम करने का मौका मिला बिना बोले कोई शख्सियत नए लोगों को किस तरीके से समझा सकती है इसका अनुभव भी मैंने उनके साथ में लिया सर मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर यहाँ एक नया अनुभव मिला जब टेलीविज़न में देखते हैं कि आपके साथ में 2 लोग खड़े रहते हैं तो बाहर पता नहीं लगता कि वो कौन लोग हैं लेकिन पार्लियामेंट के नियमों की जानकारी नए लोगों को कराना छोटे छोटे चीज़ के बारे में बताना ये भी एक अपने आप में एक नया अनुभव था टेलीविज़न में देखते हैं तो पता नहीं लगता ये अधिकारी है या कोई और है लेकिन छोटे से छोटी चीज़ को लेकर भी कहाँ बोलना चाहिए कैसे रहना चाहिए इसका भी एक अनुभव मुझे मिला और अंत में सर इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर नए साथी आ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे साथ जो लोग 2 अप्रैल को यहाँ से विदा लेंगे उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद श्री रामकृष्ण